विपक्ष है तैयार, सामना कैसे करेगी केंद्र सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, सदन का माहौल शांत नहीं दिख रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार को कमजोर करने के लिए कई हथकंडे अपनाता नजर भी आ रहा है। पहले राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है और सदन में वह केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो अब इंडिया अलायंस द्वारा उपनेता भी घोषित कर दिया गया है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई लोकसभा में पार्टी के उपनेता हो गए और इस निर्णय के बारे में एक पत्र कांग्रेस द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें संसद के निचले सदन में कांग्रेस के उपनेता, मुख्य सचेतक और दो सचेतक नियुक्त किए जाने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया, गोगोई लोकसभा में पार्टी के उपनेता हो गए, जबकि केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश पार्टी के मुख्य सचेतक हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि विरुद्ध नागर ने सांसद मानी कम टैगोर और किसानगंज के सांसद मोहम्मद जावेद लोकसभा में पार्टी के सचेतक का पद संभालेंगे। हालांकि इससे पहले पार्टी ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। वेणुगोपाल ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लोकसभा में जनता के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएंगे। आपको यह भी बता दें कि गोगोई लोकसभा के पिछले कार्यकाल में भी पार्टी के उपनेता थे। गोगोई ने सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। गोगोई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं अपने सहयोगियों को बधाई देता हूं। हमारा उद्देश्य संसद में भारत के लोगों की आवाज उठाना और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। अब कांग्रेस के इन सभी फैसलों से एक बात तो साफ हो गई है कि BJP से कांग्रेस अच्छी तरह से सदन में सवाल करने वाली है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VUA न्यूज़ पर।